हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल दी स्टडी एंड आई होप यू आर ऑल रेडी टू हेयर फॉर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन। फ्रेंड, यहाँ पे जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। फ्रेंड, इसमें टोटल 20 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होंगे हमारे एग्जाम्स के लिए। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ में, उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम बताइए जिसमें प्रत्येक संभावित नोड द्विदिशीय कड़ियाँ होती है। फ्रेंड, इसमें इसका आंसर होगा कि मिस टोपोलॉजी, यानी जो मिस टोपोलॉजी होती है बाई डायरेक्शनल होती है। फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि एक इसमें आंसर मिस टोपोलॉजी हो जाएगा। इसमें फ्रेंड क्या होता है कि जो नोड्स होते हैं यानी जो कंप्यूटर होते हैं अलग अलग ऐसे लगे रहते हैं, और इसमें जो केबल लगता है दो केबल लगते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच रहते हैं। और फ्रेंड इसमें इसी वजह से काफ़ी केबल हो जाता है, और इसमें क्या होता है कि ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए हम बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। एक ओर से डेटा ट्रांसमिट होता है, एक ओर से रिसीव होता है। तो फ्रेंड ये रहा हमारा मेस टोपोलॉजी। एंड फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं। फ्रेंड, किसी भी स्टोरेज लोकेशन को, फ्रेंड हमारे सारे हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भी कंप्यूटर्स होते हैं सबका क्या होता है कि एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ताकि हम क्या करते हैं कि उसका लोकेशन पता कर लेते हैं कि किस सिस्टम पे कौन सा काम हो रहा है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर इसका होगा वो होगा कि एड्रेस, यानी जो आईपी एड्रेस, आईपी यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। फ्रेंड इसमें जो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है किसी भी कंप्यूटर का, एक अपना स्पेसिफिक इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है जो कि उसके एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। बाकी तो बाइट आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की क्या होती है, एक मेमोरी यूनिट होती है, रिकॉर्ड तो सब लोग जानते ही होते हैं। अगर कोई भी फाइल है उसमें जो भी डेटा स्टोर होता है उसे रिकॉर्ड बोलते हैं हम, और प्रोग्राम तो डेटा को सब डेटा का जो कलेक्शन उसे प्रोग्राम बोलते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, WWW का कौन आविष्कारक तथा प्रवर्तक है। WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, इसके आविष्कारक कौन है। तो फ्रेंड यहाँ पे इसका आंसर होगा टिम बर्नर्स-ली, ये जो है ये WWW के आविष्कारक है। फ्रेंड ये जो WWW है ये हमारे इंटरनेट का इंटरनेट है, एक प्रकार से इंटरनेट ही होता है जिसपे हम इजीली क्या करते हैं कोई भी चीज़ सर्च कर लेते हैं। और चार्ल्स बैबेज तो जानते हैं कि फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं, और मार्क जुगरबर्ग सब कोई फेसबुक के जो फेसबुक के संस्थापक माने जाते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेज में वह कौन सा शब्द है जिसे क्लिक किया जाए तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है। फ्रेंड हम लोग सब लोग जानते हैं कि जब हम अपना कभी भी अगर कोई सिंपली डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एरो वगैरह बन करके आता है या फिर हाथ का निशान बन के आता है ताकि वहाँ पे क्लिक करिए, अगर वहाँ पे हल्का सा क्लिक हो जाता है तो दूसरा डॉक्यूमेंट अटैच जो है खुल जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, हम वहाँ पे हाइपरलिंक बोलते हैं। तो हाइपरलिंकिंग क्या होता है कि ये ब्लू लाइन अक्सर मैक्सिमम देखते हैं तो ब्लू लाइन से ही उसको इंडिकेट किया जाता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं अगर वहाँ पे ब्लू लाइन है तो वहाँ पे अगर टच करेंगे हल्का सा भी तो दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाता है। और फ्रेंड यहाँ पे URL है, फिर रेफरेंस है और एंकर है। एंड जो URL है तो सबको जानता है कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो कि एक यूनिकली एड्रेस होता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर एक्सेस करने के लिए यूजर्स को किस टर्मिनल का उपयोग करते हैं। सॉरी, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए यूजर्स किसका उपयोग करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो होगा इसका आंसर टर्मिनल होगा, टर्मिनल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो टर्मिनल, अब टर्मिनल होता क्या है फ्रेंड, यह वह पॉइंट होता है कि जो जहाँ से डेटा इनपुट और आउटपुट होती है, यानी ये जो टर्मिनल होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से डेटा ट्रांसमिट होती है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से कनेक्ट किए जाते हैं। तो फ्रेंड इसमें देखिए मैं पांचों टोपोलॉजीज़ के बारे में आपको बताऊंगी कि कौन सा टोपोलॉजीज़ क्या क्या करता है, क्या क्या उसकी वर्किंग है। तो फ्रेंड यहाँ पे तो सबसे पहले टोपोलॉजी जानते हैं कि क्या होता है, कि टोपोलॉजीज पांच होते हैं, स्टार, रिंग्स, मेस, और जो छूट रहा है वो कौन सा है, ट्री। फ्रेंड यहाँ पे ट्री और स्टार को हम सेम लेकर के चलते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड जो रिंग टोपोलॉजी है, पर सबसे पहले स्टार टोपोलॉजी क्या होता है, एक सिंपल हब होता है, एक ऐसे हब बना रहता है, ये हब है फ्रेंड, और ऐसे सिस्टम बने रहते हैं चारों ओर से। फ्रेंड देखने में स्टार जैसा होता है तो सब लोग इसे स्टार टोपोलॉजी इसीलिए इसका नाम दे दिए हैं। बाकी ये नोड है और ये हब है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और ये हब ही सबको कंट्रोल करता है। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि सिंपली ऐसे रिंग में सब नोड्स क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड इसका आंसर पहले देख लेते हैं कि इसका आंसर होगा
बस। तो कौन सा इसमें सिर्फ एक ही केबल के माध्यम से कनेक्ट होता है? तो फ्रेंड वहाँ पे होगा बस टोपोलॉजी। जो होता है वो क्या होता है कि ऐसे नोड्स लगे रहते हैं, और ये क्या होता है कि सिर्फ एक केबल के माध्यम से अटैच होता है, और यहाँ पे क्या होता है कि एक सेंट्रल हब होता है जो उसको कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड ये तो हो गया बस टोपोलॉजी। मेस टोपोलॉजी मैंने आपको बताया ही था, और ट्री टोपोलॉजी जो होता है स्टार टोपोलॉजी के जैसा ही होता है। तो फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा प्रोसेस डेटा को क्या कहते हैं? फ्रेंड प्रोसेस डेटा इसका मतलब क्या होता है कि हम सबको जानता है कि कंप्यूटर में दो तीन पार्ट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट और सीपीयू। तो जब डेटा को इनपुट करते हैं तो क्या होता है कि जो सीपीयू होता है उसे प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद हमको आउटपुट देता है। तो प्रोसेस डेटा का मतलब क्या होता है कि जब सीपीयू प्रोसेसिंग के बाद जो कुछ भी आउटपुट भेजता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोसेस डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो आउटपुट है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस डेटा के रूप में बोलेंगे। तो फ्रेंड हम लोग जान चुके हैं कि इनपुट आउटपुट और सीपीयू ये कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, और जो प्रोसेस डेटा होता है वो क्या होता है कि सीपीयू जब हम प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा सेंड करता है या फिर जो हमें दिखाई देता है वही क्या होता है? प्रोसेस डेटा होता है। एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो फ्रेंड यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी चिप, तो जो इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है तो इस पे किसकी परत होती है? तो फ्रेंड यहाँ पे सिलिकॉन की होती है। फ्रेंड यहाँ पे जो सिलिकॉन होता है सेमीकंडक्टर होता है, सब जानते हैं। और ये जिस जो आईसी चिप होती है ये क्या होती है फ्रेंड? ये जो कंप्यूटर्स होते हैं थर्ड जनरेशन में आईसी चिप का यूज हुआ था, और उसी आईसी चिप का जिक्र हुआ है। और इसमें ये पूछ रहा है कि जो आईसी चिप होती है किसकी बनी होती है? तो फ्रेंड यहाँ पे हम समझ रहे हैं कि सिलिकॉन की बनी होती है। और इसके अलावा फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओआरजी संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड हम सबको जानते हैं कि डोमेन, ये डोमेन नेम होता है। फ्रेंड यहाँ पे जो ओ आर जी फ्रेंड ये स्मॉल होता है, मैं हमेशा स्मॉल ही लेकर चलते हैं, .org, .com, फिर .in होता है, ऐसे करके बहुत सारे होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे .in का मतलब इंफॉर्मेशन से हो जाएगा, .org का मतलब हो जाता है बिजनेस से, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन से, और .com का मतलब हो जाएगा बिजनेस से। इसी तरह फ्रेंड अलग अलग ये जो भी एरियाज होती हैं उनका डोमेन नेम अलग अलग होता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? फ्रेंड कोई भी वेबसाइट है उसका एड्रेस स्पेशली हम लोग देखते ही हैं कि जैसे www ऐसे करके डॉट जो अपना सर्च करना रहता है उसके बाद स्लैश दे देते हैं, या फिर अपना जो चीज़ सर्च करना रहता है वहाँ पे सर्च लिख देते हैं, सर्च कर देते हैं, उसके बाद हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो यहाँ पे फ्रेंड URL हो जाएगा, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है कि किसी भी वेब पेज का एक एड्रेस लोकेशन होता है, यानी उसका एड्रेस होता है कि स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं एड्रेस को हम। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त स्टैंडर्ड सेट करता है? तो फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा HTTP, यानी वेब बेस्ड। जहाँ भी वेब बेस्ड की बात है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हमारा जो इंटरनेट है उसकी बात चल रहा है। तो यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है कि जो कि वेब पे वर्क करता है, और इसी के माध्यम से हम डेटा को सर्च कर सकते हैं, यानी सर्च करने में हमारी हेल्प करता है। और यहाँ पे XML है, तो ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है फ्रेंड, ये फोर्थ पीढ़ी का लैंग्वेज है। और HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। और फ्रेंड इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टपल क्या होता है? फ्रेंड हम सब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नाम तो ऑलमोस्ट सब लोग उसको जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में टपल क्या कहलाता है, यही पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन। तो फ्रेंड ऐसे टपल क्या होता है हम इसकी बात करते हैं। फ्रेंड यहाँ पे मान लेते हैं ऐसे रो बनी रहती है, हम एक टेबल ऐसे बनाते हैं, ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। तो फ्रेंड जो ये चीज़ है ना, ये क्या है? हमारी टपल कहलाती है, ठीक है। और जो ये होती है, ये जो बना हुआ है खाने, ये क्या कहते हैं? कॉलम कहलाते हैं। तो इसमें टपल क्या होता है, जब भी टपल की बात हो तो फ्रेंड यहाँ पे किसी भी टेबल का एक रो को हम क्या बोलते हैं? टपल बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड ये जो एक एरिया है ये सिंपली एक क्या कहलाएगा? ये टपल कहलाएगा। तो इसी तरह हम कॉलम जानते ही हैं फ्रेंड। अब पूरे इस पूरे टेबल को, यानी जो ये पूरे टेबल हम लोगों ने बनाया है, इसे क्या बोल देंगे? रिकॉर्ड बोल देंगे।
तो इसे हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसे क्या बोल देंगे, रिकॉर्ड बोल देंगे। अब बाकी को तो टपल समझते ही हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे जो गणना और तुलना है यानी जो हमारा कैलकुलेशन है और कंपेरिजन है, किसका यूज होता है? तो फ्रेंड हम सब जानते हैं कि जो सीपीयू होता है यानी माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये क्या करता है कि पूरे कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो ये जो सीपीयू होता है, सॉरी फ्रेंड, जो ये सीपीयू होता है, मान लीजिए सीपीयू है, इसकी पार्ट होते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। मान लीजिए कि ये ALU हुआ, ये कंट्रोल यूनिट हो गया, CPU हो गया, ये रजिस्टर होते हैं, ये मेमोरी होते हैं, और यहाँ पे AU होता है। ऐसे ही फ्रेंड इसके जो ब्लॉक्स होते हैं वो एकदम सेम नहीं होते हैं, उसका अलग अलग जो आर्किटेक्चर है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जो गणना और तुलना की बात किया गया वो किस में होता है, ALU में होता है, जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये क्या होता है फ्रेंड, इसी के माध्यम से कंप्यूटर में हम अर्थमेटिकल यानी जो हमारी गणितीय संक्रियाएं होती है संपन्न होती है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, पूरे को कंट्रोल करता है, और बाकी रजिस्टर जो होता है फ्रेंड वो क्या करता है कि छोटे छोटे जो उसमें छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होता है उसको कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। और मेमोरी तो सब लोग आप जानते हैं फ्रेंड कि मेमोरी क्या होता है, सूचनाओं को स्टोर करता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंक ईमेल को क्या कहते हैं। फ्रेंड जंक ईमेल, कभी कभी हम लोगों ने हम अक्सर देखते हैं कि जो हमारा ईमेल होता है यानी इलेक्ट्रिक मेल होता है, ईमेल तो आजकल जीमेल सब लोग जानते होंगे, ईमेल जीमेल, तो ईमेल में क्या होता है कि जंक ईमेल क्या होता है, इनबॉक्स में कभी कभी हमारे मैसेजेस नहीं मिल पाते हैं और क्या करते हैं वो कभी ट्रैश में या स्पैम जो अनसॉलिटेड होते हैं, जो अवांछित जो मैसेजेस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जंक ईमेल कहलाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड, स्पैम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो जंक ईमेल को क्या कहते हैं, हम स्पैम कहते हैं। ये ईमेल में जब कोई भी अवांछित मैसेज हमारे आते हैं वो क्या कहा जाते हैं फ्रेंड, स्पैम मैसेज में जाते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। फ्रेंड वेब ब्राउज़र वो होता है जो कि इंटरनेट पे डेटा को सर्च करने के लिए हमारी हेल्प करता है, और जो क्या करता है कि यूज़र्स और सर्वर के बीच क्या करता है, कम्युनिकेशन को स्थापित करता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ओपेरा है जो क्या है कि एक वेब ब्राउज़र है, बाकी सब कुछ सर्च इंजन है और कुछ अलग ऐप्स हैं। तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र का जिक्र हुआ है, तो ओपेरा मिनी हो गया, सॉरी ओपेरा मिनी तो आप लोग जान ही गए यहाँ पे, फिर गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ये सब क्या है, वेब ब्राउज़र है। सर्च इंजन में अलग अलग होते हैं, गूगल होता है, याहू होता है, ये सब क्या होते हैं, सर्च इंजन होते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। फ्रेंड ये सब क्वेश्चन काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। फ्रेंड इसी के साथ अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए अलग अलग टॉपिक का वीडियो बना सकती हूँ। एंड फ्रेंड इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं उसको आप, इसके अलावा जो भी मैं बातें बोलती हूँ या जो भी क्वेश्चंस बताती हूँ उसे नोट करते चलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें जो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट जिसमें आप डाटा एक्सेस में डेटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड यहाँ पे जो आंसर होगा वो सेल होगा। सेल, सेल क्या होता है, मान लीजिए अभी मैंने बताया था कि ऐसे हमारा MS Excel है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS Excel एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें क्या करते हैं, हम ऑफिशियल वर्क को करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे जो ये ब्लैंक खाने बने हुए हैं, एक छोटे छोटे खाने ऐसे बने हुए हैं, फिर यहाँ पे खाना, ऐसे बहुत सारे खाने बने हुए हैं। तो फ्रेंड ये जो रो और कॉलम का जो कलेक्शन होता है, जो एक दूसरे को जहाँ पे काट रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ये क्या है, सेल है, सेल है। तो किसी भी वर्कशीट का वो बेसिक यूनिट जहाँ पे डेटा क्या करते हैं, हम इंटर करते हैं, जहाँ पे डेटा हम रखते हैं वो क्या कहलाता है, सेल कहलाता है। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग का निशान क्या दर्शाता है। फ्रेंड यहाँ पे जो लाल कलर होता है वो स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है, जबकि ग्रामेटिकल को ग्रीन दर्शाता है। जो ग्रीन होता है ये ग्रामेटिकल एरर को दर्शाता है, जबकि स्पेलिंग त्रुटि को कौन सा दर्शाता है, MS वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसमें स्पेलिंग की अगर गलती रहेगी तो वहाँ पे रेड कलर की लाइन खींची रहेगी हमारे लेटर के नीचे। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट
डिवाइस वह डिवाइस सॉरी यहाँ पे वह होगा, वह डिवाइस जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? फिर हम जो हमारे नेटवर्क में डिवाइसेज होती हैं जो क्या करती हैं कि कनेक्ट करती हैं, नेटवर्क में जो भी डेटा है उसको एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम डिवाइसेज का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे गेटवे जो होगा फ्रेंड, यहाँ पे इसका आंसर होगा। गेटवे क्या होता है कि दो दो डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। वैसे ये हब होता है और फिर राउटर होता है, स्विच होता है, ये सब क्या है फ्रेंड? हब हो गया, राउटर हो गया फ्रेंड। हब आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बना रहता है, उसमें कई सारे पोर्ट्स बने होते हैं और वहाँ पे जो हमारा केबल का जो वायर होता है कनेक्ट होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में कंप्यूटर्स रखे रहते हैं, यानी कंप्यूटर लैब में। तो यहाँ पे जो गेटवे इसका आंसर होगा। एंड फ्रेंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विजुअल और ऑडियो इफेक्ट को जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट को अप्लाई किया जाता है वो क्या कहलाता है? फ्रेंड यहाँ पे होगा एनिमेशन। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन होगा वो एक विशेष विजुअल और ऑडियो इफेक्ट जो पावर पॉइंट में टेक्स्ट या कंटेंट पे अप्लाई किया जाता है। फ्रेंड हम अक्सर आजकल देखते हैं कि जो हमारा वीडियो होता है काफ़ी अफेक्टिव होता है, जो कि स्लाइड क्या होती है एक दूसरे के बाद आती है तो उसके बीच में बहुत सारे जो इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड वो क्या होता है कि उसे एनिमेशंस बोलते हैं, यानी जो हमारा टेक्स्ट या कॉन्टेक्ट पे अप्लाई किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एनिमेशंस कहते हैं। आजकल जो भी वीडियोज होते हैं उसमें एनिमेशंस का ज़्यादा यूज किया जा रहा है। और फ्लैश वो होता है फ्रेंड कि जो इंटरनेट पे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं उसे हम फ्लैश बोलते हैं। एंड नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर पाए जाते हैं? फ्रेंड इसे तो आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि OSI रेफरेंस लेयर क्या होता है। तो फ्रेंड यहाँ पे ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है जो कि रेफरेंस मॉडल होता है और नेटवर्क में पाया जाता है। फ्रेंड इसी के माध्यम से डेटा क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। और इसमें फ्रेंड टोटली 7 लेयर होते हैं। फ्रेंड इसमें 7 लेयर होते हैं। पहला होता है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिर से फ्रेंड, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। फ्रेंड यहाँ पे तो सिर्फ इतना क्वेश्चन जानना जरूरी है कि उस OSI रेफरेंस मॉडल में कितने लेयर पाए जाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे 7 लेयर पाए जाते हैं और यह सेम इसी जिसमें क्रम में होता है, इसका क्रम चेंज नहीं होता है क्योंकि एक लेयर के बाद दूसरा लेयर पे जाता है और वहाँ से उसको एक्सेस करने के बाद वो नेक्स्ट लेयर पे जाता है और इसी के साथ डेटा का ट्रांसमिशन होता है। और इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो डेटा ट्रांसमिट नहीं हो पाता है और बीच में ही क्या होता है वो इस रुक जाता है। तो फ्रेंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और फ्रेंड इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा जिससे कि आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड फ्रेंड इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।